सुपर्णा जी बड़ी देर से बैठे हुए। हाँ जी सुपर्णा जी। हेलो हरीश, कैसे हो? हाँ जी सर, बस चल रहा है। एक बात करनी थी, उस समय मतलब मिस हो गई थी कि मतलब वही जुंडाला या फिर ये सब में रिलेटेड बात में मतलब मेरी रह गई थी। देखिए, ये नैरेटिव बोले या क्या बोले, मैं इसके अंदर ज्यादा घुसना नहीं चाहूंगा। कुलभूषण और उसके बाद उसके रिटेलिएशन में जो एक पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल किडनैप हुए थे नेपाल से, दोज टू थिंग्स आर एक्चुअली लिंक्ड विद ईच अदर। कुलभूषण को बलूचिस्तान से किडनैप किया गया, जैश उल अदल जो एक तंजीम है उन्होंने किडनैप किया एंड दे सोल्ड इट टू पाकिस्तानी आईएसआई इन रिटेलिएशन। देखें, मैंने ये आपको अक्सर बताया हुआ है कि मैं आपकी जो इंडियन मीडिया की न्यूज है मैं उसको भी यकीन नहीं करता जो एंटी पाकिस्तान, और उसी तरह मैं पाकिस्तान की भी ऑफिशियल वर्जन एक्सेप्ट नहीं कर पाता। नहीं, ऑब्वियसली मैं आपको ये इंडियन मीडिया की न्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक ये यूरोपियन टाइम्स की एक लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक सेकेंड, वो भी उनका ओपिनियन पीस हो सकता है, उसी तरह जैसे अभी मैंने वो कहा था कि जब वो F-16 गिरा था, जब F-16, हाँ ये मैं शेयर कर रहा हूँ यूरोएशियन टाइम्स की। अच्छा ये ठहरे, इसको शेयर कर लेते हैं। इज इंडियन रॉ बिहाइंड द डिसअपीयरेंस ऑफ पाकिस्तानी कर्नल जाहिर हबीब हु वेंट मिसिंग नेपाल। ये तो हाँ, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है। मतलब जनरली इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैं मतलब ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं घुसना चाहूंगा और मैं ये भी नहीं बताना चाहूंगा कि मतलब जनरली इंटेलिजेंस एजेंसीज जनरली इन सब काम कैसे करती है। एनजीओ बोलिए या फिर ऐसे फेक जॉब मतलब अपॉर्चुनिटीज बोलिए या फिर शेल कंपनीज बोलिए जिसके थ्रू ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं। कर्नल हबीब को भी ऐसे ही एक मेल आई कि पता आप रिटायर हो गए हैं, उसके बाद आप मतलब आपके एक्सपीरियंसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी मतलब ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट्स या फिर इन सब में। आपने वेबसाइट में से यूरेशियन टाइम की है, लेकिन इसके अंदर मैं जितने जर्नलिस्ट देख रहा हूँ वो सारे इंडियन नेम्स क्यों उनके मिल रहे हैं मुझे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस ओपिनियन पीस वाज नॉट रिटन बाय एनी इंडियन। लेकिन ये तो लिखा ही नहीं, किसने लिखा है? लेकिन इसके बाकी भी मैंने, बाकी मैंने अभी क्लिक किया इसका, इसमें ये देखें, ठहरे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसके अंदर मुझे तो ये यू नो काफी प्रो इंडिया वेबसाइट लग रही है, और इसके अंदर सारे ये देखें, ये क्या है यू नो इस पाकिस्तान का, ये राजेश सिन्हा, और राजेश सिन्हा इज अ, और कौन का, प्रकाश नंदा। देखें अच्छा ये हैदराबाद से, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो जो भी है देसी वेबसाइट ही, सारे देसी भाइयों के नाम ओके, मतलब चलिए मैं मान लेता हूँ कि मतलब जिंदगी, ये सारे लेकिन यूरेशियन टाइम्स है ना, हम पीछे हटिएगा तो इसलिए ना। इसी तरह मैं आपको एक और, मैं आपको एक और किसी के ऊपर एक फैक्चुअल, वैसे एक लॉजिकल बात करते हैं। इसी वजह से जब वो इंडिया F-16 ने, इंडिया ने क्लेम किया था कि पाकिस्तान का F-16 हमने गिरा दिया है, तो दो यूएस, किसी इंटरनल यूएस डिप्लोमेट ने स्टेटमेंट दी थी, और वो फाइनेंशियल टाइम्स थी मेरा ख्याल वेबसाइट, या फाइनेंशियल रिव्यू था। ऑफिशियल मतलब स्टेटमेंट फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन की, मतलब जनरली की उन लोगों ने लॉकहीड पूरे मार्टिन की नहीं थी? हाँ नहीं, लॉकहीड मार्टिन की नहीं थी, वो मेरे से गलती होगी। लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा सा दोबारा, 2 साल पुरानी बात है, 1.5 साल पुरानी, मुझे याद नहीं था, मैंने इसको देखा था, उसके अंदर फाइनेंशियल रिव्यू कोट कर रहा है एक यूएस ऑफिशियल को। अब ठीक है, अब यूएस ऑफिशियल ने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन फाइनेंशियल रिव्यू, अब वो एक वेस्टर्न न्यूज़पेपर है यू नो, सो वो कोई अपना ये देसी यूरेशियन टाइम नहीं है। लेकिन सर, मैं मेरा, वही लेकिन पॉइंट ये है, तो आपके भक्त उसको भी नहीं मानते। सर बात वही है ना कि मतलब नैरेटिव्स को लेके जनरली इंटेलिजेंस एजेंसीज प्ले करती है। बहुत अच्छी बुक है, शायद मे भी पता अवेलेबल होगी कि नहीं, विक्रम सूद की लिखी हुई है। विक्रम सूद वाज एक्चुअली क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ रॉ, मतलब जो आपके पाकिस्तानी हेड होते हैं आईएसआई के, ऐसे रॉ के हेड थे मतलब विक्रम सूद की। तो इस तरह से मतलब जनरली नैरेटिव्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं, उनको लेके प्ले कैसे किया जाता है। कश्मीर का जो नैरेटिव इवन मतलब जो आज के डेट में आपको मतलब सारे मीडिया में दिखता है बेसिकली पाकिस्तान। ये रॉयटर्स के भी मुझे मिल गया, मुझे नहीं पता था रॉयटर्स का भी है कि यूएस काउंट शोज नो पाकिस्तान F-16 शॉट डाउन इन इंडियन बैटल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब जिसको रॉयटर्स कोट कर रहा है, सो यू नो अगर आपने कुछ मुझे इस तरह की चीजें देनी है तो प्लीज, मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं कभी आपको दुनिया न्यूज या यू नो समा टीवी, आई नेवर,
मेरे को ये नहीं पता था यूरेशियन टाइम्स के मतलब ज्यादातर राइटर्स जो है वो इंडियन। कहते हैं ना, फिर आप भी कंफर्मेशन बायस में आ गए, आपने कहा है यूरेशियन टाइम, चलो ये घुसेड़ दो। नहीं नहीं, ये नैरेटिव्स को लेके प्ले कैसे, ये मतलब मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा, कैसे देखा है प्लीज आप मतलब मेरे से मत पूछिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक पब्लिक शो है अभी ये जो भी है। तो मतलब जनरली ऐसे नैरेटिव्स को लेके प्ले किया जाता है, इवन पाकिस्तानी मीडिया में भी अगर कोई कश्मीर नैरेटिव प्ले किया जाता है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नैरेटिव। मतलब वो नैरेटिव जनरली इंडिया को सूट करता है कि मतलब पाकिस्तान इन सब चीजों में उलझा रहे, उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत है, इंटरनल प्रॉब्लम्स को यूज करके जनरली अपने मफादात जो होते हैं मतलब जो मतलब ये होते हैं वो मतलब हम लोगों को करने पड़ते हैं। सो नहीं नहीं, मतलब मैं यही बोल रहा था कि हम लोग को जो न्यूज में जो दिखाई जाती है, एक टाइम में कहा जाता था कि न्यूज इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नॉट राइट नाउ, इट इज एक्चुअली यूज्ड एज अ टूल फॉर स्टेट पॉलिसीज या फिर ये सब। ह्यूमन होते हैं, एलिंट होते हैं, कॉमेंट होते हैं, कितने सारे इंटेलिजेंस यूज किए जाते हैं ऐसे सारे नैरेटिव्स को बिल्ड करने के लिए। और मतलब उनमें जनरली ये रिलीजियस लोग भी शामिल होते हैं कि मतलब जैसे इट वुड बी मतलब बहुत गंदा लगेगा सुनने में, अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदा हूँ ठीक है, और मैं ऐसे नैरेटिव्स को लेकर प्ले कर रहा हूँ, काली खोपड़ी जिसको बोलते हैं, आप जैसे लोग मेरे लिए मतलब एनिमीज होंगे, because you are actually building a narrative that religion is a fast thing, और मैं उसी चीज को यूज कर रहा हूँ एक टारगेटेड सोसाइटी को मतलब अपने ही मतलब चीजों में उलझाए हुए रखने के लिए। आर्टिकल 295 सी ब्लास्फेमी लॉ में इतने सारे चीज, ब्लास्फेमी लॉ को लेके मतलब पाकिस्तान के आधे लोग पागल होकर रखे हुए हैं। एज एन इंडियन मेरे क्या फर्क पड़ता है कि वहां पर किसकी गर्दन कटती है कि नहीं कटती है, अगर मेरे वहां से अगर ये नैरेटिव मतलब फीड करके अगर मेरे मफादात वहां पे पूरे होते हैं, आई वुड नेवर वांट आर्टिकल 295 सी गो फ्रॉम पाकिस्तानी पिनल कोड, क्योंकि उस नैरेटिव को यूज करके मैं बहुत से इंटरनल प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे सकता हूँ। और मतलब जनरली यही चीजें मतलब जनरली इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगेन इज इट एथिकल और नॉट, आर्गुमेंट तो ये क्या है, एथिकल है कि नहीं। और सही बात है, ये अभी इंडिया ने लिखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने शेयर किए हैं प्रूफ ऑफ टेररिस्ट लॉन्च पैड्स इन पाकिस्तान, यूएन स्पीच में प्रूफ, सैटेलाइट इमेजरी भी दिखाई है, और ये बात ठीक है। मैंने तो अपनी किताब में लिखा हुआ 99 में मैं लश्कर तैयबा के रिक्रूटमेंट कैंप में गया हूँ, मुझे तो पता है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा भाई। सीरियसली? हाँ, मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ ये पूरा, बड़े मशहूर से वाकई है, बड़ी मैंने ये बुक पढ़ी ली है, आप पढ़े उसको जाके, इसमें पूरा मैंने, मैं तो बच गया लश्कर तैयबा का, मुजफ्फराबाद से आगे पहाड़ी पे हम गए, और वहां से मैं पूरी हाफिज सईद ने आके स्पीच की और बताया कि किस तरह मुजाहिदीन जाते हैं वगैरह, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मुझे पेज नंबर नहीं याद, आप उसको पढ़िएगा। तो भाई मुझे ना बताओ, ये मुझे तो पता है इस बात का, हाँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके जो भक्त हैं, सॉरी, जो आपका जो इंडियन मीडिया है वो भी कोई हर बात अच्छी सच्ची खबर नहीं देता। आप देखें, अब वो ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफिकल कोई कंपनी थी जिसने, जब आपने क्लेम किया था हमने, वो कौन सी जगह थी पाकिस्तान की के उधर जाके हमने, हैं, स्वात? नहीं 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 नहीं, इंडिया, वो जब ये हुआ था जो आपका पालाकोट में हमने जाके वो कंपाउंड दिखाया, हमने उड़ा दिया, तो वो कर दिया, तो वो कर दिया, तो उन्होंने आप वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिसने सैटेलाइट इमेजरी दिखाई थी कि कुछ भी नहीं हुआ, और वो भी पाकिस्तानी कह रही थी। देखे, और मैं आपको बताऊं, मैं तब तक उस नहीं मान रहा था जब तक पाकिस्तानी कह रहे थे कि ये हमारे कुछ दरख्त गिरा के आ गए हैं, हमारे चार दरख्तों का नुकसान, आई वॉज इन एक्सेप्टिंग दैट, लेकिन इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ अपना बेंचमार्क लुक, मे बी आप लोग इंडिया पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको दुनिया न्यूज और जी टीवी न्यूज ही चाहिए, मुझे कम से कम नहीं चाहिए, मुझे अनलेस के कोई इंटरनेशनल रिस्पेक्टेबल सोर्स होगा मैं नहीं मानूंगा। या मतलब जनरली मतलब इंडियन न्यूज और पाकिस्तानी न्यूज बहुत आर ट्रैश, अगर इन सब मामलों में अगर देखा जाए तो, इन सब मामलों में एब्सोल्युटली ट्रैश है ना। अब आप देखें, जब आप जिंगोइज्म देखते हैं
और ये अर्नाब गोस्वामी के बाद हुआ ये काम, जब आप देखते हैं चीख चीख के, ओ नेशन वांट्स टू नो, ओ केड़ी नेशन चार्ज्ड अप और दुनिया और ये कर दिया हमने, वो कर दिया तो वो हो गया, तो बंदा का तो कुछ भी नहीं या जो हुआ भी है। मैं बता रहा हूँ कि आप कभी अगर इंडिया आएंगे, अगर आप अर्नाब गोस्वामी से मिलेंगे, मतलब मैं उनसे पर्सनली मिल चुका हूँ, द पिक्चर एक्चुअली शोज इन टीवी मुझे लोगों ने कहा है कि अर्नब तो पड़े, लेकिन अर्नब तो अमिताभ के आगे कोई इधर उधर नहीं। अर्नब को जब एक वो हैकलर प्लेन में जिसने उसको हैकल किया था, अब वो अर्नब के ऊपर चीखे मार रहा था कोई लिबरल जो था, तो अर्नब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सो इट शोज कि अर्नब एक कैरेक्टर है, वो अर्नब का स्टाइल है, मतलब मैं बस यही कहूंगा। मेरा पॉइंट ये है कि अर्नब पहले किस चैनल पे होता था, पहले एक स्टैंड अलोन था, उसका स्टाइल था, बड़ा पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? उसने जिंगोइज्म को बेचा, उसने नेशनलिज्म को बेचा, सेल किया, और उसने इतना बड़ा हो गया कि उसने एक चैनल ही बना लिया। सो यू नो, और ये खाली अर्नब भी नहीं, और उसके छोटे लेवल के सेकंड टीयर के जो जर्नलिस्ट कभी कभार मैं देखता होता, मुझे याद है मैं देखता होता था जब ये क्या हुआ था उसके, आपका वो जिसमें आपके वो टेररिस्ट वाक्य हुआ था, पुलवामा में जो हुआ था, तो उसके बाद मैं देखा था रोज कोई आके कोई वो दाढ़ी वाला पता नहीं क्या नाम है उसका, सरदार है मेरा ख्याल, एक बड़ा अजीब जर्नल है, पाकिस्तान क्या है, क्या तुम लोग बातें करते हो? ठीक है कन्वेंशनली इंडिया की पावर हो रहा है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो ये चार्ज जब बातें करते हैं तब ये क्या इनको हो रहा होता है, ये क्या इनके दिमाग में, बिकॉज दे नो इट सेल्स, ये चीजें बिकती हैं, लेकिन बेच तो आपने दी है, लेकिन उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है अपनी, एक जो इंडिया में हम देख रहे हैं ओवर जिंगोइज्म है, जिस तरह पाकिस्तान में ओवर जिस तरह पाकिस्तान में ओवर रिलीजियोसिटी है ना, ये हम इसको देखा है, हमने 30 सालों में मेरी जिंदगी में हुआ ये काम, 80 से लेके, मैं 83 में पैदा हुआ था, 80 से लेके 90s में और 2000 में थोड़ा कम हुआ था काम, लेकिन जो बीज उन 18 सालों में उन्होंने बीज दिए थे, बेच दिए थे, और उसका नतीजा हमने अब देखा है। अभी ये मिनिस्टर कह रहे तारिक अपने फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट में लिखा कि हमारी मुल्क में ये अकलियतों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा है, और अब हम दलदल में घिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई बोलता ही नहीं है। आपको, सर आपको क्या लगता है कि मतलब जनरली ये जो ज्यादा रिलीजियोसिटी इन रिसेंट टाइम्स फैली है, इसमें आपको आपको लगता है कि मतलब ये टोटली पाकिस्तानी एज ए सोसाइटी का मतलब फॉल्ट है कि इसमें फॉरेन हैंड्स भी है? नहीं नहीं, फॉरेन हैंड्स क्या होने सर, फॉरेन हैंड्स क्या होने, फॉरेन हैंड्स अब आप कितना देश दोष उनको ठहराएंगे सऊदी अरब को कि उन्होंने मदरसों में पैसे डाल दिया और अपने अपना वहाबी वर्जन। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूं, मतलब जो हवा देने वाला काम होता है। नहीं देखे हवा तो कोई भी दे देगा ना, आपने जिस तरह का इंटेलिजेंस एजेंसियां करती होंगी, सुन्नी शिया के फसादात करवा दिए या कोई आग लगा दी, लुक दोज थिंग्स आर इररिलेवेंट। आपकी प्रॉब्लम ही आती है जब आपकी टॉप टियर लीडरशिप इस तरह के काम करती है। जियाउल हक ने पाकिस्तान में इस्लामिज्म जियाउल हक लाया है, आपको पता। मुझे बड़ी हैरत हुई थी, मैं हमेशा से कहता रहा था कि जी पाकिस्तान में सऊदी अरब और ईरान जैसा इस्लामिक सिस्टम नहीं है, जो कि नहीं है, लेकिन मुझे कुछ फोटोज किसी ने भेजी कि जियाउल हक के दौर में तकरीबन 2 या 3 साल में लोगों को शादी से पहले डिंग डोंग करने पे कोड़े पड़ते थे, कोड़े जो इस्लाम की 100 कोड़ों की सजा है, और औरतों को ये हदूद मुकदमा वगैरह, तो जी कोड़े संसारी नहीं हुई थी, लेकिन अगर वो जियाउल हक मरदूद अगर जिंदा रह जाता तो कोई पता नहीं पत्थर मार के भी मौत आ जानी थी, सजा आ जानी थी, तो कोड़े पाकिस्तान जैसे मुल्क में पड़े, तो और ये जियाउल हक की वजह से, उससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। जियाउल हक के बाद से आना शुरू हुए थे, मतलब उन्होंने ये सारे उन्होंने ना कहे उस मर्दूत को, उस कहे उसे, उसने जो पाकिस्तान का काम खराब किया वो, और वही उसी की वजह से लपाड़े हम देखते हैं आज, ओ शरिया ले आओ ये कर दो, ये लुल लपाड़े जो हैं ये उन्हीं के नतीजे हैं।
हमारे माँ बाप के वक्तों में कोई इस तरह की बहस ही नहीं होती थी। गोरे हिप्पीज चुबुर्जी में पड़े होते थे जीने पे फटी जीने पहन के, सारे भाग गए क्योंकि ये जियाउल हक मरदूद का कारनामा। तो मेरा पॉइंट ये कि आपके जो पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन हुई, आपके मुल्क में जिंगोइज्म और ये हिंदुत्व की जो मूवमेंट है बड़ी डेंजरस है, अभी तो लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन यू नो आज से 20 साल बाद कोई पता नहीं आप लोग यही प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, यार ये मोदी ने काम खराब कर दिया। मैं मोदी का सिंगल आउट नहीं करूंगा, मैं मोदी का सिंगल आउट नहीं करूंगा क्योंकि मोदी की कोई और बातें भी लिखती है, लेकिन यू नो बीजेपी एज अ पोलिटिकल पार्टी ये इनके पास ही क्यों जाते हैं सारे इस तरह के। मैं दस पांच सर उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि आप कभी एक बार इंडिया आइए, मतलब बाहर से देखने से ऑब्वियसली लगता है कि भैया जिंगोइज्म एकदम। आई नो मेजोरिटी तो पीपल लोग इस तरह के नहीं होते ना वो तो, और इंडिया जैसे कंट्री को तो आप सिंगल आउट कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा कंट्री 1.2 बिलियन लोग जहां पे हो, आप कैसे कह सकते हैं। इंडिया की एक बहुत बड़ी लिबरल सोसाइटी है, इंडिया की एक बहुत बड़ी सारी बात है राइट विंग हिंदुत्व सोसाइटी भी है, इंडिया की एक बहुत बड़ी सोसाइटी जो मिडल में है, जो हमारे अंकल्स हैं जो टीवी देखते हैं, जो क्रिकेट देख रहे होते हैं, जो यू नो इट्स अ ह्यूज कंट्री। सो यू नो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे हैं या बहुत सारे अभी ऐसे हैं, मैं ऑब्वियसली मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इंडिया में फर्ज करें अगर हमें कुछ 100 के करीब मिल जाते हैं कि काऊ के मीट के ऊपर मार दिया, 1 अरब लोगों में से अगर 1000 लोगों ने इस तरह के काम कर दिए हैं, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन। मतलब जनरली ये पूरे 6 सालों के अंदर ऐसे केसेस गिन के मतलब 10 या 12 से ज्यादा नहीं होंगे, ये मैं आपको मतलब स्टैटिस्टिक्स के साथ शो कर सकता हूँ कि या इट इज ट्रू कि मतलब मोदी पावर में आने के बाद से जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं। 2014 से पूरा एक चार्ट मिलता है कि रिलीजियोसिटी बढ़ी है, ये फिर आ गया गंडाल्फ शक्ल नहीं अपने दिखाता, कहता मोदी को मोदी पर मंदिर तोड़ने वाले को इमरान साहब, इमरान ने कौन सा मंदिर तोड़ा, ये 14 मंदिर इमरान के ऑर्डर पे पकड़े गए हैं, ऐसे ये ढप्पन ये कहां से आप लोग उठा के ले आते हो, ये वाले आपके भक्त जो है ना ये आपके मुल्क को बदनाम करते हैं। चलो मुझे आई टू रैप ये लास्ट मतलब मैं बात कर दे रहा हूँ कि मोदी के वोटर्स में से ऐसे टाइप के वोटर्स मुश्किल से शायद 10 या 15% होंगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु एक्चुअली वोट फॉर मोदी, लेकिन वोट तो उन्होंने लेकिन वोट तो बीजेपी को पड़ा है, कुछ ना कुछ है। और कांग्रेस जो है और कांग्रेस जो आपकी बिल्कुल खत्म होती जा रही है, ठीक है आपकी लीडरशिप कांग्रेस में बड़ी वीक है, हमारे राज्य क्या नाम है राहुल गांधी साहेब पप्पू, नोबडी वांट्स टू वोट फॉर हिम, उसका शकल देख के ही कोई मतलब या फिर ये वोट नहीं करेगा, लेकिन फिर बाद में चले बहुत ओके नो प्रॉब्लम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।